नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि बूस्ट पोस्ट क्या, इसका क्या यूज़ है। अगर आप एक फेसबुक पेज क्रिएट किए हैं, अगर इमेज या वीडियो अपलोड किए हैं, वहाँ पे आपको बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका यूज़ कैसे होता है, इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने फेसबुक को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम अपने फेसबुक पेज को ओपन करेंगे, जिसमें हमारा बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन है, कोई इमेज या वीडियो अपलोड किए हैं। तो जैसे यहाँ पे मेरा एक इमेज है, मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन है बूस्ट। जैसे ये मेरा इमेज है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे बूस्ट पोस्ट लिखा है, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे बहुत से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आपको एक बटन का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये है। अब इस बटन वाले ऑप्शन में एडिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। अब इससे होगा क्या, आपके पोस्ट पे आप जो भी बटन सेट करेंगे वो यहाँ पे शो करने लगेगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे कॉल नाउ पे किया हूँ, तो मेरे पोस्ट पे कॉल नाउ अभी शो कर रहा है। अगर आप सेंड मैसेज करना चाहते हैं तो इस पर कर सकते हैं। जैसे जो आपसे आपके ऑडियंस हैं वो किसके थ्रू आपसे कॉन्टेक्ट हों, तो सेंड मैसेज। यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, आप नीचे इसको ऊपर करके स्क्रॉल, यहाँ पे आप सेंड टू व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो आपके जो ऑडियंस हैं वो व्हाट्सएप के द्वारा आपसे कॉन्टेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको सेंड मैसेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, मैंने उस पर कर दिया। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका वो है ऑडियंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑडियंस के सेटअप के लिए हम एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट दिखा रहा है, आप जिस कंट्री के हैं, इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया अपना कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद डन कर दीजिए, इसके बाद सेव कर दीजिए आप। अब यहाँ एज वाले ऑप्शन पे आइए। अब यहाँ पे आप एज सेट कर दीजिए, जो आपका पोस्ट है कितने से कितने तक के बीच में आपके ऑडियंस देख सकें इस पोस्ट को, उनकी एज यहाँ पे सेट कर दीजिए। जैसे 18 वर्ष से 52 वर्ष के बीच जो भी ऑडियंस हमारे रहेंगे वो इस पोस्ट को देख सकते हैं। करने के बाद अब आप यहाँ पे बजट वाले ऑप्शन पे आए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी होता है। अब यहाँ पे बजट आप फिक्स कर दें, तो यहाँ पे जो मिनिमम बजट होता है वो 80 रुपये से कम नहीं हो पाएगा। मिनिमम बजट 80 रुपये होता है। 80 रुपये में 40 से 116, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम बजट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारे ऑडियंस बढ़ते जा रहे हैं। इतने से इतने के बीच में ये हमारा जो पोस्ट होगा वो शो करेगा। आप यहाँ पे दिन का जो टाइम है ये भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ प्लस माइनस से करके। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब हम बजट बढ़ा रहे हैं तो यहाँ ऑडियंस बढ़ते जा रहे हैं, और जब बजट घटा रहे हैं तो ये ऑडियंस हमारे घटते जा रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने इच्छा अनुसार जो भी बजट चाहें वो लगा के अपने पोस्ट को प्रमोट कर सकते हैं। और यहाँ पे डे फिक्स कर सकते हैं कि आप इतने रुपए में कितने दिन तक और कितने ऑडियंस तक अपने पोस्ट को पहुँचाना चाहते हैं, इस हिसाब से आप बहुत ही आसानी से सेटिंग कर सकते हैं। ये सब करने के बाद अब आपको करना क्या है, आपके अपने पोस्ट को प्रमोट करने के लिए आपको सिंपली इसको अब ऊपर करना है, बजट सेट करके फिक्स करके। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेमेंट मेथड पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जैसे ये आपको दिख रहा होगा पेमेंट, इसके नीचे है, ये मेरा पेज का नाम शो कर रहा है, यहाँ पे पेमेंट मेथड है, ऐड मनी है। तो आपको बूस्ट पोस्ट को हटाने के लिए, अपने पेज को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं, आप जो पेमेंट करना चाहते हैं किसके थ्रू करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, नेट बैंकिंग, UPI। तो आप जिससे भी आप अपने पेज को प्रमोट करना चाहते हैं, जिससे भी पैसे दे के, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। ये सब करने के बाद यहाँ पे अमाउंट सेट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी ऑप्शन शो करता है आप इसको भर दीजिए। आप इसको भरने के बाद
आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो पेज होगा वो प्रमोट हो जाएगा और जो बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन है वो सिंपली हट जाएगा। तो ऐसे आप बहुत ही आसानी से बूस्ट पोस्ट को हटा सकते हैं और अपने पोस्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो।